तो बीएससी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कल से बंद हो रहा है, लिहाजा इन गाड़ियों पर भारी डिस्काउंट दी जा रही है। हालांकि कई शोरूम पर गाड़ियों का स्टॉक खत्म हो चुका है, इसके बावजूद दिल्ली में शोरूम के बाहर लोगों की भीड़ देखी मिल रही है। हमारे संवाददाता ने इसका जायजा लिया। इस समय हम खड़े हैं दिल्ली के कल्याणपुरी में और आपको बताएं कि 1 अप्रैल से BS-3 की जो गाड़ियां हैं वो दिल्ली में बिकना बंद हो जाएगी और उसको देखते हुए जितनी भी एजेंसियां हैं उन्होंने अपने यहाँ छूट दी थी गाड़ी पे, 22,000 रुपये तक की छूट दी गई थी, जिसके बाद एजेंसी पे लोगों की भीड़ लग गई। आप देखेंगे इस समय ये सारे लोग जो हैं वो एजेंसी पे आए हुए हैं ये पता करने के लिए कि क्या BS-3 की गाड़ियाँ उपलब्ध हैं। आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे तमाम गाड़ियाँ लगी हैं लेकिन इस एजेंसी पे जगह जगह ये लगा दिया गया है कि BS-3 की गाड़ियाँ नहीं हैं। हमारे साथ यहाँ पे सेल्समैन है, जरा उनसे हम बात करते हैं। भाई साहब, ये इतना मारी मारी कभी हुई थी क्या आपकी एजेंसी पे? कभी नहीं हुई। वजह क्या है? वजह ये है जो गवर्नमेंट ने बंद करी है BS-3 की गाड़ियाँ, इसकी वजह ये। आप लोगों ने छूट दिया था गाड़ियों पे? हाँ, जो गाड़ियाँ थी हमारे पास BS-3 की उसमें हमने छूट दी थी 10,000 रुपये की। अच्छा जी, उसके बाद ये सारे लोग आए? ये सारे लोग, लोगों को पता चला इसलिए लोगों को चाहिए गाड़ियाँ सस्ती, तो सबको चाहिए। तो आपके यहाँ से भी गाड़ियाँ निकली हैं BS-3 की? BS-3 की हमारे पास 2-3 गाड़ियाँ थी जो हमने सेल कर दी। अभी जो गाड़ियाँ अपना जनवरी अपना फरवरी में ही कर दी सेल। अच्छा, ये सारी गाड़ियाँ ये सारी BS-4 की गाड़ियाँ हैं। अच्छा, तो आप लोगों ने जगह जगह ये भी लगा दिया है कि अब BS-3 की गाड़ियाँ उपलब्ध नहीं? जी नहीं है, बिल्कुल लगा दिया है। क्या अंतर है BS-3 और BS-4? मानक ब्यूरो का चक्कर है जो गवर्नमेंट ने वो बंद कर दी, इससे पॉल्यूशन ज़्यादा होता था BS-3 से, इससे पॉल्यूशन कम होगा, ये है। आइए हम लोगों से बात करते हैं, आप लोग यहाँ पर आए हैं गाड़ी खरीदने के लिए या सिर्फ पता करने के लिए? गाड़ी खरीदने के लिए आए। क्या हुआ, क्या पता चला? ये कह रहे हैं गाड़ी ही नहीं है। आपके हाथ में डॉक्यूमेंट भी दिख रहे हैं? जी, सब कुछ लेके आया। मैं तो 7 बजे से यहाँ चक्कर काट रहा हूँ। ये कह रहे हैं मैनेजर नहीं है, MD नहीं है, ये नहीं है। आप लोग किसी और एजेंसी में गए थे? मैंने 10 शोरूम विजिट किए हैं, सब पे यही आ रहा है कि BS-3 का स्टॉक अवेलेबल नहीं है। तो लोग पूरी टोटल सब जगह ये गाड़ी लेने के लिए आए हम लोग, अब यहाँ कह रहे हैं गाड़ी है नहीं, हम सुबह से परेशान हो रहे हैं। अच्छा, मालिक जो लोग BS-3 की गाड़ी खरीद लेते हैं कल से उस पर कोई पाबंदी नहीं होगी जो लोग रोड पे चलाएंगे? नहीं, रोड पे जो गाड़ी रजिस्टर्ड हो चुकी है BS-3 की उस पर तो पाबंदी है ही नहीं। रजिस्ट्रेशन हो रहा है क्या आज भी? नहीं, अब नहीं हो रहा, बंद है। अब बंद है जी हाँ। और यही वजह एजेंसी का रजिस्ट्रेशन था। आपको एक बार दिखाना चाहेंगे कि ये जो भीड़ दिख रही है वो लोग हैं जो यहाँ पर पता करने के लिए आए हैं कि अगर BS-3 की गाड़ियाँ मिल रही हों तो लोग लेंगे। एक बार पीछे कैमरा मैन से कहूँगा कि वो दिखाएं आपको किस तरह से यहाँ पे तमाम गाड़ियाँ खड़ी हैं। यहाँ पे अगल बगल 2 एजेंसी हैं, खंडेलवाल मोटर्स की, महिंद्रा की भी एजेंसी उनके पास है और उसके साथ ही हीरो की भी एजेंसी है। और आप देखेंगे कि ये जो भीड़ है वो यहाँ पर इसलिए आई है कि अगर BS-3 की गाड़ी इनको मिल जाती है तो ये उसको ले लेंगे, क्योंकि उनको 10,000 से लेकर 22,000 तक सस्ती पड़ेगी। लेकिन आप देखेंगे जगह जगह यहाँ पे लिख के चिपका दिया गया है कि BS-3 की गाड़ियाँ अब उनके पास उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जो उनके पास स्टॉक में था वो कल तक उन्होंने बेच दिया है। एक बात ये भी है कि जैसे ही ये पता चला कि BS-3 की गाड़ियाँ लोग लेने के लिए जा रहे हैं और जो कंपनियाँ हैं उन्होंने छूट दी है, तो उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन भी बंद कर दिया गया। आज से रजिस्ट्रेशन ना हो पाने की वजह से भी तमाम जो एजेंसी हैं वो गाड़ियों को सेल नहीं कर रही हैं। फिलहाल स्थिति ये है कि दिल्ली में आप किसी भी एजेंसी पे चले जाएं वहाँ पर आपको इसी तरह से भीड़ देखने के लिए मिलेगी। कैमरामैन विवेक के साथ सर्वेश कुमार, इंडिया 24/7 दिल्ली।